क्या है? तुम्हें मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही। माँ के दिमाग में तो बेटा कंप्यूटर फिट है, है ना? माँ को तो सब याद रहता है। माँ के पेट में तो जिगर की जगह हार्ड ड्राइव लगी हुई है जो सब सेव होता है। मेरा बेटा पूछेगा तो मैं फौरन बता दूंगी। अरे मम्मी नहीं बेटा, माँ तो रिपोर्ट फिल्म का रजनीकांत ने चिट्ठी। माँ के मगज में तो तेरे बाप ने मेमोरी कार्ड फिट करवाया है। माँ को तो सब याद रहेगा। मेरा बेटा पूछेगा मम्मा ब्लू वाली शर्ट का, मैं फौरन निकाल के दूंगी। है अरे अम्मी मैं कोई और शर्ट पहन लूंगा बस। अम्मी खाना दे दो। माँ तो रोका नहीं है बेटा, एक एक को अलग अलग खाना देगी, है ना? अरे अम्मी नहीं बेटा, तेरा बाप मुझे शादी करके थोड़ी लाया है, उसने मुझे महीने के पगार पे नौकरी पे रखा है, है? अरे मम्मी तो फिर खाना कौन देगा? मेरे बेटे के हाथ में तो मेहंदी लगी है, है? कल से बेटा तुझे बाजार से मैं चूड़ियां ला के दूंगी, तू वो पहन कर ना घर में बैठ जाना, फिर सारा काम मैं खुद कर लूंगी, ठीक है? अरे मम्मी मैं खुद खाना निकाल के खा लूंगा बस। रहने दो, खुद ही खा लूंगा, खुद खा लूंगा। अरे जान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे रियली मेरी जान, एक तुम ही तो हो जो बनोगी मेरी बच्चों की माँ। सारी रात बेटा बस इस माँ से ही बातें करना, इस माँ का तो कोई भी हक नहीं है, है? अरे माँ ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, उस माँ ने तो तुझे जन्म दिया है, इस माँ ने तो तेरी जिंदगी का किस्सा खत्म किया है, है? अरे लेकिन मम्मी सुनो तो सही। नहीं बेटा, जिसने पैदा किया है वो बात सुनने के लिए, और जिस माँ से बातें करता है वो बातें सुनाने के लिए। वाह ये सही है। तो गुस्सा क्यों हो रही हो मम्मी? पूरी रात अपनी मोबाइल वाली माँ को किस कर करके तूने अपनी मोबाइल की स्क्रीन भी घिस दी है। ये नहीं कि बेटा कभी अपनी असली माँ को किस करके प्यार का इजहार कर दू। रे यार आज के बाद मोबाइल यूज नहीं करूंगा बस। बेटा ज्यादा बर्गर बनने की कोशिश ना कर, तू बंस रोड का 50 रुपए वाला बन कबाब ही है। हाँ मेरा बन कबाब बेटा।